आपने आने वाले 10 साल के लिए अपने लिए कोई ना कोई प्लान जरूर सोचा होगा। आपको एक घर खरीदना है, आप अपने लिए एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके फ्यूचर के लिए भी आप जरूर चिंतित होंगे, लेकिन अगले 10 साल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम दोस्तों है, ये टाइम है निवेश का। जिन लोगों ने अब से 15 साल पहले निवेश प्लान किया और हर महीने अपनी सैलरी से बचाकर कुछ ना कुछ पैसे निवेश किए, उनके पास आज की डेट में बड़ा फंड है। बड़ा कितना और कितना सेविंग करके, इसे भी एक बार आप ज़रूर समझिए। जिन लोगों ने अब से 13 साल पहले म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर सिर्फ हर महीना 7,000 रुपये का निवेश किया, आज उनके पास 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड है, और वो भी 12 से 13 साल के अंदर। यानी कि वो 13 साल के अंदर करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप आज भी एक निवेश प्लान स्टार्ट करते हैं, लाखों रुपए का नहीं, अगर आपकी जितनी भी इनकम है उस इनकम से आप 1500 रुपये महीना बचा लेते हैं, और इसे बचाकर अगर आप निवेश करते रहते हैं तो कुछ सालों में आप इससे 1,90,00,000 रुपये का फंड भी बना सकते हैं। और दोस्तों, इस 1,90,00,000 रुपये के फंड से आप अपने किसी भी गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्लान की बात करते हैं, तो पिछले 10 साल के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऐसे प्लान हैं जिसने 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में इससे अगर आपको कम भी रिटर्न मिलता है तब भी यहाँ से आप एक बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर 50,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का AUM हो चुका है, और यहाँ पर 150% से ज़्यादा ग्रोथ है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में जो अभी ग्रोथ देखी जा रही है पिछले कुछ सालों से, वो 150% से ज़्यादा है। और लोग अपने पैसे पर अब रिस्क भी लेना पसंद करते हैं, वो कम पैसे चाहे से निवेश करें लेकिन उससे वो एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही आप कम पैसे से एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि बैंक FD बीते ज़माने की बात हो चुकी है। ब्याज दर अभी भी 7% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, वो भी 6.7% के आसपास। यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम में बैंक FD से बड़ा फंड बनाना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्याज दर इतनी नहीं है जितना आपको ब्याज दर चाहिए। इसी का सॉल्यूशन आपको म्यूचुअल फंड्स प्लान का मिलता है, जिसमें आप कम पैसे से भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पर अगर हम 50 रुपये बचत कर लेते हैं तो इसी से हमारे पास 1500 रुपये का अमाउंट आ सकता है, और इसी से हम बड़ा फंड भी बना सकते हैं। या फिर अगर आप लमसम ज़्यादा नहीं 60-70 हज़ार रुपये का निवेश करेंगे तो इससे भी दोस्तों आप 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपके पैसे पर रिस्क ज़रूर स्टॉक मार्केट का है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको काफ़ी बेहतर मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप रिस्क लेकर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्र हो जाते हैं, वहाँ से भी आप एक बड़ा फंड बना लेंगे, तो दोस्तों अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप अपने पैसे पर सिर्फ लॉस लेंगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा कि किस स्टॉक में आपको पैसे को निवेश करना है। अगर आप कम रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स का एक बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो प्लान ऐसा है जिसने लगातार बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद रिटर्न 17.80% का दिया है। इसमें 2020 के अंदर लॉकडाउन के टाइम पर एक बड़ा क्रैश आया था, उसे पार करने के बाद कंपाउंड रिटर्न फंड ने काफ़ी बेहतरीन दिया है। फंड काफ़ी पुराना भी है और यहाँ पर पिछले 5 साल में भी फंड ने 20.53% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर में 22% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 32%, और लास्ट 6 मंथ में फंड का रिटर्न 14% से ज़्यादा है। और दोस्तों, ये फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। यानी कि यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी के और मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक शामिल हैं, जिसमें पैसे को निवेश किया गया है, जिसके अंदर आपको ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर 1500 रुपये महीना अगर आप निवेश करते हैं तो कितने टाइम तक आपको करते रहने से 1,90,00,000 रुपये का फंड मिल सकता है। दोस्तों, 1500 रुपये महीना आप निवेश करते हैं, 17.5% का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है, 5 साल तक लगातार आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं, तो आप SIP के थ्रू सिर्फ 90,000 रुपये का निवेश करेंगे, लेकिन इसमें रिटर्न आपको 54,406 रुपये का मिलेगा। यानी कि 5 साल में आपके पास 1,44,000 रुपये से ज़्यादा का फंड होगा। लेकिन अगर आप 10 साल तक इस SIP को कंटिन्यू करते हैं तो 1,80,000 रुपये का आप निवेश करके 3,08,000 रुपये रिटर्न के साथ 4,88,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, 10 साल में आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट बड़ा नहीं दिखा, लेकिन अगर हम कंपाउंड रिटर्न की बात करें तो अगले 5 साल में
अब आपको ये बेनिफिट काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देगा, क्योंकि 15 साल में अब आपको यहाँ पर 13 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड मिलेगा, जबकि SIP के थ्रू आप 2,70,000 का निवेश करेंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों 20 साल की बात करते हैं तो आप 3,60,000 रुपये का निवेश करके 32,65,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 29 लाख रुपये का इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 25 साल तक 1500 रुपये महीना की SIP कंटिन्यू करते हैं तो 4.5 लाख रुपये का निवेश करके 79,27,000 रुपये का फंड बनाएंगे और 74,77,000 रुपये का इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन 30 साल के अंदर 1500 रुपये महीना निवेश करते रहने से आप 5,40,000 रुपये का निवेश करके 1,90,00,000 रुपये तक फंड भी बना सकते हैं और रिटर्न इसमें 1,85,00,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 1,00,00,000 रुपये फंड बनाना कम टाइम के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 7,000 रुपये महीना SIP को कंटिन्यू करते हैं और आपको 17.5% का रिटर्न मिलता है, तो अब आपको 1,00,00,000 रुपये अगर फंड बनाने का आपका टारगेट है तो इसे आप 18 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर आप 10,000 रुपये महीना निवेश करते हैं और आपका 1,00,00,000 रुपये फंड बनाने का टारगेट है तो दोस्तों इसे अब आप 16 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक साथ लमसम पैसे हैं और आप 60,000 रुपये निवेश करते हैं तो इस 60,000 रुपये से अगर आपका टारगेट 1,00,00,000 रुपये फंड बनाने का है तो दोस्तों इससे भी आप 1,00,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं 32 साल के अंदर। लेकिन अगर आप 2,00,000 रुपये निवेश करते हैं यहाँ पर इस फंड में और आपका 1,00,00,000 रुपये फंड बनाने का टारगेट है तो अब आप इसे टारगेट को पूरा कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 25 साल के अंदर। जबकि दोस्तों अगर हम इस फंड के NAV प्राइस की बात करें तो यह है 550 रुपीज़। NAV का जो भी प्राइस होता है और जो भी आप पैसा निवेश करते हैं SIP के थ्रू या फिर लमसम, तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। फंड की रेटिंग 4 है और फंड साइज 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। AUM फंड का काफ़ी बढ़िया है और SIP के थ्रू अगर आपके पास 1500 रुपये भी नहीं है तो आप 500 रुपये से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों SIP आप मंथली बेसिस पर कर सकते हैं, ईयरली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर भी। और अगर आप अभी 500 रुपये स्टार्ट करते हैं बाद में इसे बढ़ाना चाहते हैं तो टॉप अप ऑप्शन से बाद में भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं होल्डिंग की, तो कुल मिलाकर 83 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोफोर्ज, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, यानी कि दोस्तों ऐसी कंपनी हैं ये बेहतरीन क्वालिटी की लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और जिनके अंदर आपको ग्रोथ काफ़ी शानदार मिल सकती है। जबकि अगर हम फंड की होल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एनर्जी, सर्विसेज सेक्टर, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि दोस्तों सारे ही सेक्टरों के अंदर अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है और जिसके अंदर ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है आने वाले टाइम में भी। अगर हम इस फंड के खर्चे की भी बात कर लें तो ये भी काफ़ी कम है, 0.77% का, और टैक्स 10% का होता है LTCG अगर आपको 1,00,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक साल के अंदर तब। तो दोस्तों SBI के इस शानदार फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो कम पैसे से भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर लमसम 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो उससे भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।